हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों, आपकी हमारी अब लास्ट एक्सरसाइज रह गई थी, वो थी रिलेटिव प्रोनाउन की. तो रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं हमारे, कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. देखिए, ये है जिसमें कि द प्रोनाउंस हु, हुम, हुज, विच एंड दैट विच ज्वाइंस टू सेंटेंसेज. यानी ये जो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेज को आपस में जोड़ते हैं एंड रेफर बैक टू नाउन गोइंग बिफोर देम. यानी उनसे पहले आए हुए नाउन के साथ में जो है ये संबंध बताते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है बच्चों, अब इसमें मैंने आपको जो है बताया था कि इसको नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं, जो इससे रिलेट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट भी बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए, इसकी हमारी एक्सरसाइज 9th है कि अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड सर्कल देयर एंटीसीडेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो एंटीसीडेंट्स किसे कहते हैं, कि जो इन हु, हुम, हुज, विच, इनसे पहले आने वाले, यानी ये जो है हमारे हु, हुम, हुज, विच, इनसे पहले आने वाला जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट. ठीक है, अब देखिए, इसकी एक्सरसाइज है हमारी कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो खुद अपनी करते हैं. तो क्या है इसमें, गॉड हेल्प्स दोज, तो ये दोज हमारा प्रोनाउन हो गया, और ये हु आ रहा है हमारा, ये हमें पता है कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. तो इससे पहले ये जो हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, एंटीसीडेंट. तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट. तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और ये हो गया हमारा एंटीसीडेंट. ठीक है, सेकेंड है, इट इज़ ओनली डंकीज दैट ब्रे. तो इट इज़ ओनली बंकी डंकी, कि केवल गधे ही क्या करते हैं, ब्रे करते हैं, यानी उनका जो जिस तरह से उनकी जो आवाज़ है उसको ब्रे बोलते हैं, करते हैं. तो दैट, ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. ठीक है, और ये किसके लिए यूज किया गया है, ये दैट डंकी के लिए, तो ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया. ठीक, ऐसे ही ब्रिंग मी द क्लोथ्स विच द धोबी हैज वॉश्ड, कि मुझे वो कपड़े ला कर दो जो धोबी ने धोए थे. तो ये विच हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन. और ये क्लोथ्स किसकी, विच किसके लिए यूज हुआ है, क्लोथ्स के लिए यूज हुआ है, तो ये हमारा एंटीसीडेंट हो गया. ठीक है बच्चों, तो इसमें एंटीसीडेंट क्या हो गया हमारा, क्लोथ्स. ठीक, उधर दिखाई नहीं दे रहा है. ऐसे दिस इज द मैन हुज मदर डाइड, कि ये वही आदमी है जिसकी माँ जो है, जिसकी मदर जो है मर गई है. तो ये हुज किसके लिए यूज हुआ है, इस मैन के लिए. तो ये हुज हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन. और इस हुज किससे पहले क्या आ रहा है, इससे पहले मैन आ रहा है, ये नाउन आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट. ठीक, अब इज दिस द कप दैट यू ब्रॉक, तो ये दैट किसके लिए यूज हुआ है, इस कप के लिए. तो ये कप हमारा क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया. और ये दैट हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन. ऐसे वी लव दोज पर्सन हु आर काइंड टू अस, तो ये हु किसके लिए यूज हुआ, इन पर्सन्स के लिए. तो ये नाउन है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया. और ये हु हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. तो अशोका वाज द वाइजेस्ट किंग दैट एवर लाइव, ये दैट किसके लिए यूज हुआ, इस किंग के लिए यूज हुआ. तो ये किंग क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया हमारा. और ये दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक, दिस इज द जगलर हुम वी सॉ यस्टरडे, ये हुम किसके लिए यूज हुआ है, जगलर के लिए. तो ये जगलर हमारा एंटीसीडेंट हो गया और हुम हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. द चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन, तो ये हुज किसके लिए यूज हुआ है, इस चाइल्ड के लिए. तो ये चाइल्ड हमारा एंटीसीडेंट और हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. पीपल आई हेट द पीपल हु आर क्रूल, तो ये हु किसके लिए यूज है, इन पीपल के लिए यूज हुआ है ये हु. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और ये हमारा एंटीसीडेंट. एक बार फिर से ध्यान रखिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, कि जो एंटीसीडेंट होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट. तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन किसे करता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है ना. तो ये हु, विच, हुज, हुम, दैट, ये वर्ड क्या है हमारे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. अब इनसे पहले जो सिंपल सी भाषा में है कि इनसे पहले जो आने वाले हमारे नाउन या प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, हमारे एंटीसीडेंट. ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, एक्सरसाइज 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन.
यानी जो उचित वर्ड लगे हमें रिलेटिव प्रोनाउन का उसको हमें फिल करना है इसमें। ही ब्लैंक इज कंटेंट इज रिच, जो संतुष्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अमीर होते हैं। तो ही हु जो संतुष्ट होते हैं, तो क्या ही हु इज कंटेंट इज रिच, तो यहाँ जो आगे हु आ गया। टेक एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी ले लो जो तुम्हें पसंद हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा हम। टेक एनीथिंग वॉट यू लाइक, कि जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व, हेयर इज द रिंग दैट सीता लॉस्ट, दिस इज द बॉय हु हिट मी, ये वही लड़का है जिसने मुझे हिट किया था, मारा था, तो हु आ गया यहाँ पर। दिस इज द मैन हॉर्स वोन द रेस, ये वही आदमी है, हॉर्स वोन द रेस, घोड़ा जीता क्या जिसका, तो हु जा जाएगा यहाँ पर। इट इज ओनली कैमल्स दैट कैन क्रॉस द डेजर्ट्स, कि केवल मैंने बताया था आपको कैमल्स, यानी इसके लिए हम विच भी यूज कर सकते हैं और दैट भी यूज कर सकते हैं। विच का यूज किसके लिए होता है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। अब दैट का यूज एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन तीनों के लिए होता है, तो यहाँ पर हम विच या दैट कुछ भी लगा सकते हैं। द मैन इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, जो ईमानदार होते हैं वो विश्वास योग्य होते हैं, तो द मैन हु, यानी वह आदमी जो ऑनेस्ट होते हैं वो ट्रस्टेड होते हैं। दीज आर द बॉयज होम ऑल प्रेज, कि ये वही लड़के हैं जिनकी सभी प्रशंसा करते हैं। दे हु आर हम्बल नीड फेयर नो फॉल, ठीक है, कि वे जो हम्बल होते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं होती है, तो हु आएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए इसमें जो है हमें क्या करना है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस लगाकर इनको सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में हमें जोड़ना है। ठीक है, ये बच्चों मैं आप लोगों को कॉपी पर करके दिखाऊंगी, कॉपी पर सेंड कर दूंगी आपको मैं इस एक्सरसाइज को। ठीक, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक बार मैं समझा देती हूँ। ही इज अ रॉक नो वन ट्रस्ट हिम, तो ये क्या आ जाएगा, ही इज अ रॉक हुम नो वन ट्रस्ट, कि ये वही रॉक है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। वी गॉट इन टू अ बस इट वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स, इट आ रहा है तो इस इट को हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वी गॉट इन टू अ बस विच आ जाएगा यहाँ पर, विच वॉज फुल ऑफ पैसेंजर्स। आई सा ए जगलर, इस जगलर को हटाकर हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, तो आई सा ए जगलर हु वॉज शोइंग हिज ट्रिक्स। हेयर इज द बुक, कि ये वही किताब है जिसको यू लॉस्ट, यहाँ से इट हट जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, विच लगा दिया। हियर इज द बुक विच यू लॉस्ट यस्टरडे, कि ये वही किताब है जिसको तुमने खो दिया था। हियर इज द पेन यू वर लुकिंग फॉर इट, ये भी सेम वही है कि हियर इज द पेन विच यू वर लुकिंग फॉर, यहाँ इट हट जाएगा। वी मेट अ बॉय ही हैड लॉस्ट हिज वे, तो वी मेट, हम उस लड़के से मिले जो कि रास्ता खो गया था, यह जो रास्ते से भटक गया था, तो यह जाएगा वी मेट अ बॉय हु हैड लॉस्ट हिज वे। माई ब्रदर इज डेड आई लव्ड माई ब्रदर, तो यहाँ माई ब्रदर हट जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, माई ब्रदर इज डेड हुम आई लव्ड, कि मेरे उस भाई की मृत्यु हो गई जिससे मैं प्यार करता था। दीज आर द बॉयज देयर पेरेंट्स आर हेयर, तो दीज आर द बॉयज हुज पेरेंट्स आर हेयर, कि ये वही लड़के हैं जिनके माता पिता यहाँ हैं। बाली स्टोल द पेन, तो बाली का जो है पेन चोरी हो गया, अब क्या हो गया, हु वॉज पनिश्ड, दैट इज द मैन, ये वही आदमी है हुम, ही मर जाएगा यहाँ से, हुम वी सा यस्टरडे, जिसे हमने कल देखा था। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज को मैं आपको कॉपी पर लिखूंगी और उसको फिर तब सेंड करूंगी आप लोगों के पास। आपको अब जो है अपनी एक्सरसाइज 9, 10 और 11 ये आपकी फेयर कॉपी पर करनी है। ओके, थैंक यू।